नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी के व्यूअर्स से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्रॉस हैचिंग के बारे में बात करेंगे, जैसा कि बात किया था हमने लास्ट वीडियो में। और यहां पे जो पेंसिल्स मैं यूज़ करूंगा वो मैंने आपको यहां दिखाई, 4B 2B और HP पेंसिल। और पेंसिल्स हमेशा शार्प होनी चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपको क्रॉस हैचिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं टेक्सचर्ड पेपर को यूज़ कर रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर्ड है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो आउटलाइंस हमने ड्रॉ की थी उसी आउटलाइन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और वो इतना टेक्सचर्ड नहीं था। यहाँ पे मैंने रीड्रॉ किया है उसको, क्योंकि मैं देखना चाहता था और आप लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि एक्सट्रीम टेक्सचर्ड पेपर पे क्रॉस हैचिंग करते हैं तो कैसे रिजल्ट्स आते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट भी है और साथ के साथ एक एक्सपीरियंस शेयरिंग भी होगा यहाँ पे, ठीक है। मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस रहेगा कि मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट हैं जो एकदम बिल्कुल टेक्सचर्ड पेपर होता है और उस पर क्रॉस हैचिंग करते हैं तो कैसे रिजल्ट्स आते हैं, वो हम यहाँ पे शेयर करेंगे। तो मैंने देखिए पहले आई को ड्रॉ किया और आउटलाइंस तो ऑलरेडी ड्रॉन है जैसा कि बताया था लास्ट वीडियो में इसके, और उसी तरह से ड्रॉ किया है इसको भी। और यहाँ पे अब मैं वैल्यूज़ को ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अभी एज सच कोई क्रॉस हैचिंग नहीं कर रहा हूँ, अभी जस्ट मैं कुछ वैल्यूज़ को लेआउट कर रहा हूँ। बस ये ध्यान रख रहा हूँ कि हैचिंग के ही फॉर्म में सारी वैल्यूज़ को फिल करना है। तो जितनी भी वैल्यूज को मैं ड्रा कर रहा हूँ दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हैचिंग थिंग, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मोस्टली 2B पेंसिल एंड HP पेंसिल इनिशियली आप करते हो, और फिर जब आप एक सर्टेन लेवल तक पहुँच जाते हो उसके बाद आप 4B पेंसिल भी यूज कर सकते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिगिनर टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप क्रॉस हैचिंग करते हो तो लाइटर पेंसिल से शुरू कीजिए हमेशा, फिर डार्कर पेंसिल पे जाए। तो इस एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी डार्क टोन की पेंसिल से, डार्क ग्रेड की पेंसिल या हाई ग्रेड की पेंसिल से पहले क्रॉस हैचिंग मत कीजिएगा, अदरवाइज आप फिर उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट बहुत है ये चीज, और इस चीज का हमेशा ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं देखिए जैसे इतना वैल्यू करने के बाद फिर मैं 4B को यूज़ कर रहा हूँ कुछ जगहों पे हाइलाइट्स को और इन्हेंस करने के लिए, उसके सराउंडिंग में डार्क टोन्स को ऑप्ट कर रहा हूँ और हैचिंग ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ जगहों पे हालांकि पेंसिल के कुछ साइड्स को भी यूज़ किया है, लेकिन बेस्ट ये है कि आप पेंसिल के साइड को न यूज़ करें, क्योंकि अगर आप साइड्स को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम रहेगा कि वो स्मजिंग के फॉर्म में हो जाएगा, ना कि जो क्रॉस हैचिंग जो एम है, जो लाइंस नज़र आनी चाहिए, लाइंस की स्ट्रेंथ नज़र आनी चाहिए, वो इतनी अच्छे से पेपर के ऊपर प्रिवेल नहीं होगी, शोन नहीं होगी। सिमिलरली देखिए इसी तरह से मैं सेकेंड आई को भी कर रहा हूँ, और आप देख पा रहे होंगे कि टेक्सचर जो है पेपर के कितने ज़्यादा रिवील हो रहे हैं, बहुत ही हाईली टेक्सचर्ड पेपर है ये। बट एक्सपेरिमेंट था तो मुझे लगा कि जरूर करना चाहिए, आप लोगों के साथ शेयरिंग भी हो जाएगा। मेरा एम यही रहता है हमेशा कि मैं ज्यादा से ज्यादा आर्ट में एक्सपेरिमेंट कर सकूं, और यही एक चीज है जो मुझे वाकई में हमेशा मोटिवेट करती है नया काम करने के लिए। एक जैसा काम मैं पर्सनली ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाता, मुझे उसमें कुछ सर्टेन चेंजेस ज़रूर चाहिए होते हैं, और मुझे लगता है हर आर्टिस्ट के अंदर ये वाला एक चीज़ होना चाहिए कि वो भी अपने आर्ट के साथ एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करें, तभी आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे, नई टेक्निक्स को सीख पाएंगे। वही लर्निंग का एक बेस्ट प्रोसेस है कि जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना बेहतर ढंग से आप नई चीज़ों को इवॉल्व कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। उसमें से ही फिर आप एक सर्टेन स्टाइल को भी ऑप्ट कर पाएंगे कि ये एक सर्टेन स्टाइल है जो कि मैंने इवॉल्व किया है खुद में सर्टेनली। और ये चीज जरूर है कि आप यहाँ पे जब मैं क्रॉस हैचिंग कर रहा हूँ तो वैल्यूज में, जैसे कि आप रियल इमेज में देख रहे हैं, और ये जो फेस है फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये फेस बहुत डिफिकल्ट है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, वो इसलिए है क्योंकि ये फेस पूरा ही मोनोटोनिक फेस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर ये ऐसा होता कि बहुत सारी लाइट और डार्क वैल्यूज अलग अलग तरह से पड़ रही होती तो ज़्यादा अच्छा रहता, मतलब राइट साइड से तो फिर भी थोड़ी डार्क टोन्स हैं, बट लेफ्ट साइड में पूरी मोनोटोनिक है, एक ही जैसी टोन्स हैं, मिड टोन्स ही हैं ज़्यादातर, और दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि जिसको ऑप्ट करना, ठीक है। इसीलिए
बहुत सिंपल जब होते हैं लाइट एंड शेड्स तो ये डिफिकल्टी आती है। बहुत एक जैसी लाइट एंड शेड्स होना बहुत डिफिकल्ट होता है कि लाइट ही लाइट हो या फिर शेड ही शेड हो, और इसमें वैल्यूज को निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। और यही रादर है जैसे कोई ओल्ड फेसेस हो या फिर ऐसे फेसेस हो जिसमें अलग अलग तरह से ड्रामेटिक लाइट्स पड़ रही हो, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी जिसको बोलते हैं उस टाइप का हो, तो दैट इज मच इजियर फॉर आर्टिस्ट टू ग्रैस्प दोज वैल्यूज और उस पर काम कर सके। यहाँ पे आपके पास काम करने के लिए ज्यादा कुछ रहता नहीं है, या तो आप एज इट इज ही छोड़ दें तो वो भी बहुत फिनिश्ड आर्ट वर्क है, आपको खुद मजा नहीं आएगा उसमें कि आपने क्या एक्सप्लोर किया, ठीक है। और अगर आप अपनी तरफ से कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर ये होगा कि आपने ओवर डूइंग कर दिया है जो कि रिक्वायरमेंट नहीं थी पोर्ट्रेट की। तो आर्टिस्ट हमेशा इस संशय में रहता है, इस कंफ्यूजन में रहता है कि कहाँ पे कितनी वैल्यूज दे और कहाँ कितनी वैल्यूज को बढ़ाए, और यही डाउट जो है वो एक सर्टेन फेल्योर तक लेके जाता है कि आप एक्चुअल इमेज को फॉलो नहीं कर पाते या फिर आप एज इट इज एक्यूरेट पोर्ट्रेट नहीं बना पाते। इसीलिए बहुत लाइटर टोन के पोर्ट्रेट्स होते हैं, एक जैसी लाइट जिसमें पड़ रही हो सामने से, दैट इज मच डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट से ज्यादा मच बोरिंग मैं बोलूंगा, क्योंकि ज्यादा कुछ होता नहीं है आर्टिस्ट के पास उसमें एक्सप्लोर करने को, हल्की टोन्स डेवलप करनी रहती हैं और बस उसके बाद दैट्स इट, वो फिनिश हो जाता है। जैसे अभी नोज पे देखिए, नोज पे भी मैं यही देख रहा हूँ कि टोन्स में ज्यादा नहीं अलाउ कर पा रहा हूँ, और खासकर जब क्रॉस हैचिंग्स हैं तो फिर ये बात और निकल के आती है सामने कि आप स्मज नहीं कर सकते, वैल्यूज के टोन्स को चेंज नहीं कर सकते और आपको लाइन्स के ही थ्रू काम करना है। तो ये तो एकेडमिकली जो लोग समझना चाहें उनके लिए मैंने ये समझाया, जो लोग आर्ट में वाकई सीरियस हैं उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई चूज़ करें, अक्सर लोग पूछते हैं कि कैसे पोर्ट्रेट हमें चूज़ करने चाहिए ड्रॉ करने के लिए, तो हमेशा ये बोलूँगा जिसमें अच्छे से लाइट एंड शेड्स आपको नज़र आएगी, आप डार्क वैल्यूज़ पर भी काम कर सकते हैं, लाइट वैल्यूज़ पर भी काम कर सकते हैं, वैसे करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए मैं यहाँ जूम कर रहा हूँ और अब यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि कैसा पेपर है और कैसा, मैंने थोड़ा सा रियल टाइम भी किया है, बिल्कुल स्लो मोशन किया है। तो आप देखिए कि मैं कैसे हल्के हल्के हैचेस भी क्रिएट कर रहा हूँ और पेपर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है उस उन हैचेस के ऊपर, तो थोड़े स्पॉट्स भी नज़र आने लगे हैं, बट एट द सेम टाइम जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है वो बहुत अच्छे से निकल रहा है। तो जो लोग एकेडमिकली समझना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये समझाया कि जब भी आप चूज करें पोर्ट्रेट को तो ऐसा ही चूज कीजिए जिसमें बहुत सारे लाइट एंड शेड्स हो, बहुत सारा काम करने को आपको मौका मिले। मोनोटॉनिक लाइट एंड शेड्स वाले फेसेस को मत ऑप्ट कीजिए, ठीक है, उसमें या फिर उसमें अगर करना है तो फिर कलर्ड में जाइए। जैसे अगर मैं इसी को कलर्ड में बनाता तो डैट वुड बी मोर फन लविंग और ज़्यादा हम उसमें इंजॉय कर पाते, चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते, क्योंकि वहाँ पे पेपर टोन्ड होता और डेफिनेटली मैं कलर्स को ऑप्ट कर पाता होता, वहाँ पे फिर वाइट भी होता है हमारे पास, है ना, तो वाइट में मैं कई सारे टोन्स को ऑप्ट कर सकता होता। बट यहाँ पे एज इट इज वाली बात नहीं है, क्योंकि वाइट को आपको एज इट इज छोड़ना ही पड़ेगा पेपर के ऊपर, मतलब पेपर ऑलरेडी वाइट है तो यू हैव टू लीव इट आउट। तो ये वाले फंडामेंटल हैं जो लोग एकेडमिकली समझना चाहते हैं उनके लिए मैंने समझाने की कोशिश की, मुझे लगता है कि काफी लोग समझ पा रहे होंगे जो मैं एक्चुअली कहना चाह रहा हूँ। वैसे आप कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी पोर्ट्रेट, ऐसा नहीं होता कि ये इजी है या ये डिफिकल्ट है, इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना उस पर बेसिकली लर्न कर चुके हैं और कितना ज्यादा आप उस पर काम करना चाहते हैं। और क्रॉस हैचिंग्स में तो वैसे भी मिनिमलिस्टिक अप्रोच को ही ऑप्ट किया जाता है, अगर आप ओवर डूइंग जरा से भी आपने किया ना तो दूसरी तरफ आपको वो प्रॉपर स्मजिंग वाला पोर्ट्रेट नजर आने लगेगा और फिर वो खुद ही आपको पोर्ट्रेट बोलेगा कि मुझे अब स्मजिंग चाहिए, आप इस पे स्मज कीजिए वैल्यूज को। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए कि आप क्रॉस हैचिंग में बिल्कुल मिनिमलिस्टिक अप्रोच को ऑप्ट करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा ज्यादा टोन्स को डेवलप करके डार्क करने से आप ये भी रिस्क रहता है आपके पास कि आप बहुत ज़्यादा खराब कर सकते हैं वैल्यूज को, इसलिए मिनिमलिस्टिक अप्रोच, कम से कम लाइंस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकें। जैसे देखिए लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे आप, तो लेफ्ट साइड में देखिए कि मैंने बिल्कुल कम लाइंस को हाईलाइट किया है, कम लाइंस को शो किया है, हाईलाइट तो खैर ऑलरेडी हो रखा है, लाइट्स को और लाइंस को बेसिकली कैसे शो कर रहा हूँ मैं वो देखिए, बहुत ज़्यादा लाइंस आप ऑफ नहीं कर सकते राइट साइड में स्पेशली,
आप कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में आप नहीं कर सकते क्योंकि लेफ्ट साइड में बहुत सारी लाइट्स नज़र आ रही हैं, हाईलाइटेड है, और बहुत कम लाइंस के थ्रू आपको एक्सप्रेस करना है वहाँ पे टोनल चेंजेस को। जो लोग वाकई सीखना चाहते हैं उनके लिए ये ट्यूटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट डाउन करके रखिएगा, बहुत काम आने वाली हैं आपको। क्योंकि ऐसे पोर्ट्रेट हमें अक्सर मिल जाते हैं जब आपको कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करना होता है, बहुत प्रिटी फेसेस, जो एकदम डिसेंट फेसेस होते हैं वो आके जब बैठते हैं तो उनको ड्रॉ करना और डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर कि जो थोड़ा सा एवरेज लुकिंग फेस है और नॉर्मल दिखते हैं और थोड़ा अप्स एंड डाउन है फेस पे, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ईजी होता है करना। बट जो बहुत गुड लुकिंग फेसेस होते हैं, एक जैसे फेसेस होते हैं और सडन चेंजेस नहीं होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी होती है ड्रॉ करने में। बिल्कुल थ्योरेटिकल बात है ये, और जब प्रैक्टिकल हम करने जाते हैं तो भी हम समझ पाते हैं इस चीज़ को। जो लोग आर्ट की पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई। तो इसी तरह से यही हमारा पर्पस भी है हमारे चैनल का कि हम आर्ट की चीज़ों पर डिस्कशन भी करें, ना कि केवल इसको कैसे ड्रॉ करना है खाली वो बता के मैं निकल जाऊँ। That is not my purpose. I want ki many of from you to become a great artist. और चीज़ों को आप theoretically भी समझें, practically भी समझें, उसके पीछे जो philosophy है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है उस चीज़ को भी समझने की कोशिश करें, तभी आप अपने art को justify कर पाओगे, तभी आप अपने art को दूसरों को बता पाओगे कि this is the approach, this is my aim, और मैंने इस तरह से ऐसा क्यों किया है, दैट यू मस्ट नो। अदरवाइज आप बता ही नहीं पाओगे, आप बोलोगे बस मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है, जस्ट पिक अ पेंसिल एंड देन ड्रॉ इट, इस तरह से काम नहीं बनने वाला। यू मस्ट हैव अ सर्टेन डेफिनेशन, सर्टेन एक्सप्लेनेशन फॉर योर ईच एंड एवरी लाइन, ओके, तभी आप एक बेटर आर्टिस्ट बन पाते हो, समझा पाते हो चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से मैंने क्रॉस हैचिंग्स किया और जिस तरीके से रिजल्ट्स आए हैं वो आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी टेक्सचर्ड पेपर होने की वजह से हमने क्रॉस हैचिंग्स पे लाइंस तो डेवलप की हैं बट कुछ जगहों पे स्पॉट्स भी डेवलप हो रहे हैं। तो अब ये एक एक्सपीरियंस वाली चीज़ है कि जो यहाँ पे हमने सीखा कि लाइंस अगर बहुत टेक्सचर्ड पेपर है तो हमें लाइंस को बहुत वाइजली यूज करना है और मिनिमलिस्टिक रखना है अप्रोच को। मिनिमलिस्टिक का मतलब है कि आप कम से कम लाइंस के थ्रू, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, सिंपलिस्टिक जितना रखेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स लेके आएंगे। रीडूइंग नहीं करना है, ओवरडूइंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार जो आपने लाइंस को हाईलाइट कर दिया, दैट्स इनफ। फिर क्रॉस हैचिंग्स कीजिए हल्की से उस पर, मतलब एक बार डायगोनल कीजिए, फिर एक बार उस पर क्रॉस कीजिए, दैट्स इट। उसके बाद थर्ड लेयर मत ऑप्ट कीजिए उस पर, तो दैट वुड बी ईजियर फॉर एवरीवन, आप अच्छे से बेहतर तरीके से ढंग से समझ पाएंगे। तो फिलहाल इतना ही, इसको पूरा फिनिश करने की भी ज़रूरत नहीं होती है कि आप हेयर पूरा ड्रॉ करें, इतना ही छोड़ करके आप इसको रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम एफर्ट से आप शोकेस करते हैं उस पोर्ट्रेट को, दैट इज मोर देन इनफ। हेयर के टेक्सचर वगैरह को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने क्रॉस हैचिंग से उसको रिवील कर सकते हैं। तो ये तरीका है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। क्रॉस हैचिंग्स में मैंने हेयर में देखिए कुछ जगहों पे कंटूर को भी यूज़ किया है, तो वो भी आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन। पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप भी जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।